खबरें बदलती है समाज की दशा, खबरें बदलती है समाज की दिशा। हर खबर समाज का आईना है, खबरें समाज को दिखाती है आईना। जी हाँ, करनाला टीवी पर नेरुल के फल भाजी विक्रेताओं के शोषण की, ठगी की और तोड़क कार्रवाई की खबर चली थी, जिसमें दिखाया गया था कि सिडको ने फल सब्जी विक्रेताओं के लिए एक भूखंड रिजर्व रखा है। उसी भूखंड के नाम पर चंद छुट भैये नेताओं ने 2.5 से 3 करोड़ रुपए हजम कर लिए थे, जिसका खुलासा करनाला टीवी पर किया गया था। याद ना आए तो हम वो दृश्य आपको दिखाते हैं, जिसमें फल सब्जी विक्रेताओं ने अपने ठगे जाने की बात हमारे प्रतिनिधि से की थी। ये बताइए, 18 सालों से इसके अलावा किसी नेता को आप पैसा दे रहे थे क्या? हाँ जी। कौन कौन से नेता को पैसा दे रहे थे ये बताइए। यहाँ पे हम लोग का जो अधिकारी था ये अपना रामनाथ पाटिल। रामनाथ पाटिल किस पार्टी का, किस पक्ष का है वो? किसी पक्ष का नहीं है, ठीक है। बताया जैसा ऐसा जा रहा है कि यहाँ पे 2-3 लोग थे जो भाजी पाला वाले लोगों से पैसे वसूल रहे थे, उनका नाम बताइए। वो एक था सुदाम कनाड़े। सुदाम कनाड़े। दूसरा? और एक कंचन पवार। कंचन पवार। तीसरा? तीसरा था ये जो इधर का मार्केट अध्यक्ष रामनाथ पाटिल। रामनाथ पाटिल। कुल मिलाकर ये बताइए कि भाजी पाला मार्केट में जगह दिलवाने के नाम से आप लोगों से कितने पैसे लिए गए आज? पहले 20-20 हजार रुपए भरे थे सब लोग जगह के नाम पे। हाँ, 20-20 हजार रुपए भरे। उसके बाद? और बाद में 15-15 हजार भरे। बाद में फिर 15-15 हजार भर गए। उसके बाद कितने भरे गए? उसके बाद में वापस 15-15 भरे। उसके बाद फिर से 15-15। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम कितने ऐसे लोग होंगे जो रोड पे भाजी बेच रहे थे? 196 लोग। वही हमारे प्रतिनिधि ने उस जमीन के टुकड़े का ब्यौरा दिया था जो फल सब्जी विक्रेताओं को दिया जाना था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि करनाला टीवी न्यूज का कितना असर हुआ। ये वही भूखंड है जिसका खुलासा करनाला टीवी पर दिखाया जा चुका है। अब ये भूखंड फल सब्जी विक्रेताओं को सौंपा जाएगा। ये था करनाला टीवी न्यूज का असर। लेकिन अब एक और नया सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जिसमें कई सफेदपोश नेताओं का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, पहले इन गरीब सब्जी पाला विक्रेताओं से छूट भैया नेताओं ने करोड़ों के नारेबाजी किए थे, लेकिन अब सफेदपोश नेताओं का नाम सामने आ रहा है। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद गौर फरमाइए कि किस प्रकार सफेदपोश नेता अब फल सब्जी विक्रेताओं के भूखंड पर अपना हिस्सा ले रहे हैं और किस प्रकार फल सब्जी विक्रेता होने लगे हैं मायूस। कहना यूँ होगा कि अगर मालिक खुद बाग उजाड़ने लग जाए तो बाग की हालत क्या होगी। आप खुद सुने इन मासूम लोगों की जुबानी। जवाल जी, ये बताए कि यहाँ पे आप क्या फल भेजते थे या भाजी विक्रेता थे? हमारा कटलरी का शॉप था। कितने सालों से थे आप? 25-20 साल से। 25 साल से। अभी देखा ये जा रहा है कि कुछ ही दिन में आजकल में सबको प्लॉट इशू हो रहा है, उसमें आपका नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है? हमारा नंबर तो लग गया है, लेकिन इसमें क्या है, 2-4-5 नगर सेवक अलग अलग आ रहे हैं। हाँ। वो बोलते हैं हमको भी 20 मिलना चाहिए, वो बोलते हैं हमको भी 20 मिलना चाहिए। अच्छा। और हमारे जो इधर के जूने लोग हैं, हाँ, उसको सब हटा रहे हैं सब लोग, और हमारे जूने लोग को बोलते हैं तुम प्रूफ लाओ, पुराना प्रूफ लाओ, जो 25 साल से बैठे हैं। लोगों को भगाया जा रहा है, नए लोग जो है नेता, नए लोगों को सिर्फ बिल्डिंग में से आ रहे हैं, कभी हम लोग ने उसको देखा भी नहीं यहाँ तक। और उन लोगों को अभी जगह दी जाएगी और हम लोग को इधर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो नया या पुराना, जितना पुराने आदमी है उनको तो जगह मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल हक की बात है। वो प्रूफ हो या नहीं हो, क्योंकि उनको सारा धंधे का ही है। हाँ जी। नौकरी सर्विस तो है नहीं, तो पुराने आदमी को जगह मिलना ही चाहिए 100%, जो यहाँ पर इस मार्केट में धंधा करते हैं। जैसा कि आपके साथीदार ने बताया कि सब नेताओं ने अपना अपना कोटा तय कर लिया कि 20 हमको मिलेगा, 20 हमको मिलेगा, 20 हमको मिलेगा। तो अब आपको लगता है कि अगर 4 नेता इसमें घुस रहे हैं और लोगों ने 20-20 अपने नाम से जगह अलॉट कर लिए, तो 219 में से 80 जगह तो चले गए। आधे आदमी को भी नहीं हो पाएगा, सब बेघर हो जाएंगे एकदम से। और यहाँ पर 4 लोग तो क्या करेंगे बेचारे, महीने से बैठ के। किसी किसी का ऐसी परिस्थिति हो गई कि उनको चाय पीने से मोहताज हो चुके हैं 8-1.5 महीने से। और अगर ऐसा हो जाएगा सभी लोग को 20-20, 30-30 जगह निकल जाएगा, तो यहाँ के आदमी को जगह पूरेगा ही नहीं। अगर सर हम सोच रहे कि हम लोग को जहाँ हमारे जो जूने लोग हैं सब लोग को जगह मिले, भले जिसका 200 तो एक ही शॉप में मिलेगा, मिले मैं हम लोग हमारे पास है। इसमें क्या है, इसमें क्या 90% 50% रुपए, बाकी 50% ऐसे ही बैठे हुए जो मतलब आशा लगा, जो बहुत पुराने लोग हैं, जो 20 साल से जो यहाँ पे 30-35 साल भी हो गया सब लोग को, तब आशा नहीं बैठे कि हमको जगह मिले। हम लोग क्या है ना, जहाँ नगर सेवक बाजार भगवान समझ जा रहे कि हम लोग को जगह मिले वहाँ पे खाने के लिए सोच रहे। अभी आज हम घर से निकला, मैं चाय नहीं पिया हूँ सर, मेरे पास जेब में चाय पीने का पैसा भी नहीं है सर, क्या करें? अगर आज मेरे पास नहीं है सर खाने, मैं क्या करूँ? मैं घर से वैसे निकल चाय भी नहीं पिया हूँ सर। यही वो भूखंड है जिस पर गिद्रा दृष्टि सफेदपोश नेताओं की लग गई है। इसी विषय को लेकर विपक्ष पार्टी के नेता से जब बात की गई,
तब उन्होंने बिना लाग लपेट क्या कहा, आप खुद देख ले। देखो आपको सब पता है कि नई मुंबई में कैसा मनमानी कारोबार चालू है, मानो नई मुंबई का जो नेता और महापालिका के ये सब जग जाहिर है। एक्चुअली सिस्टम ऐसा होता है कि जो जो दिन महापालिका ने हॉकर्स लोग को हटाया गया, ठीक है वो जो रोड में बैठे थे रास्ते में बैठे थे उसको हटाया, उसके लिए स्वागतार्थ है। लेकिन महापालिका काम ऐसा था कि उनको पहले नोंद करना चाहिए था कौन सा धंधा क्या क्या करता है, नोंद करके फिर हटाना चाहिए था। अभी मुझे भी ऐसा मालूम पड़ा कि कोई मनमानी में कोई नगर सेवक है, कोई लोग अपना फॉर्म बांटते हैं कि अपना अपना आदमी लोग देने का गलत है, ये हम लोग अजीब होने नहीं देंगे। भले ये मनमानी कारोबार हम लोग महापालिका में चलने नहीं देंगे, ये जो गरीब के ऊपर होने वाला जो अन्याय है उसको, मेरे को पालक मंत्री से विनंती है, तुम इतना बड़ा पालक मंत्री है, इतना जनता दरबार लेता है, लोगों को अन्याय क्यों करता है, लोगों को न्याय दो। तुम्हारा जो नगर सेवक क्या सक्षम है, नगर सेवक फॉर्म देंगे, ऐसे नगर सेवक कौन होते फॉर्म देने वाला किसी को, जो वार्ड ऑफिसर है सक्षम है, अधिकारी सक्षम है, जो लोग पहले से काम करते थे जिसका पास लाइसेंस है जिसका पास लाइसेंस नहीं है, जो 20 साल से जो काम करते थे 25 साल से काम करते थे उसको न्याय मिलना चाहिए, जो गर्ज जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। एक ही आदमी का पीछे पाँच छः लाइसेंस ना देते हुए जिसको जरूरत है जिसका रोजी रोटी के लिए चाहिए उसको देना चाहिए। अगर कोई ऐसा फॉर्म देके बिठाता होगा उसको हम लोग आज बात बैठने नहीं देंगे, उधर जितने जो हकीकत हॉकर्स है उसको हम लोग वहाँ बिठा देंगे। अन्ना देखा यह गया है कि इससे पहले भी उन भाजीपाला विक्रेताओं से तकरीबन एक एक व्यक्ति ने 60-60 हज़ार रुपए वसूले गए, जिसके एवज में कम से कम 3 करोड़ रुपए। तीन करोड़ वो पालक मंत्री का छत्र जाएगा नीचे, आपको शायद पता होगा, उधर पालक मंत्री का बोर्ड लगा रहता है, गणेश नायक साहब जी छत्र जाए नीचे, आपको पता होगा सेक्टर 11 में सब आदमी जो पैसा लेता था हर दिन पैसे लेते थे। हम लोग पहले से हॉकर्स के जो ये लोग महापालिका के नियम बने वो गलत है, फुटपाथ तो नहीं बढ़ना चाहिए ठीक है, लेकिन जो लोग 15-20 साल से जो काम धंधा करते हैं अपने पेट का गुजारा करते हैं गरीब का घर संभालते हैं उसको न्याय देना चाहिए। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, देखा ये जा रहा है कि सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि अब उन प्लॉट को बंटवारे के लिए लकी ड्रॉ किया जा रहा है। लकी ड्रॉ करने के लिए अभी तक सिडको ने अलॉट भी नहीं किया प्लॉट करके, क्या कल सिडको हटा देंगे उसको, ये लोगों को दिशा भूल करने का काम है, उसका नगर सेवक कोई काम नहीं कर सकता है, इसके लिए हॉकर्स का फॉर्म देकर उसको खुशी करना चाहता है नगर सेवक, तो एनसीपी का नगर सेवक एनसीपी के नेता से नाराज है। तो यानी कि वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए वोट बैंक ऐसे देखो, किसी का गरीब का पेट में लात मार के वोट बैंक कभी नहीं बनता है, गरीब को न्याय दो जो वोट बैंक बनेगा। फिलहाल हम तो यही कहना चाहेंगे, कर्नाला टीवी पर खबर चलने के बाद फल सब्जी विक्रेताओं के लिए भूखंड तो मिल गया, लेकिन फल सब्जी विक्रेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्योंकि एक एक नेता फल सब्जी विक्रेताओं के लिए जो भूखंड अलॉट किए हैं उसमें से 20-20 भूखंड का टुकड़ा बतौर हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बचा हुआ भूखंड कितने फल सब्जी विक्रेताओं को मिलता है। कहना यह होगा कि एक सब्जी विक्रेता के अलावा ये भूखंड दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तब उन परिस्थिति में महानगर पालिका के अधिकारी अपनी आंखें बंद करते हैं या करते हैं कार्यवाही। मैं नेरुल स्थित सिडको के उस भूखंड पर खड़ा हूँ जिस भूखंड को भाजीपाला बेचने वाले लोगों को दिया जाना था। सिडको ने हालांकि यह प्लान भी तैयार कर रखी है और उनका कहना यह है कि मैंने महानगर पालिका को यह प्लॉट सौंप चुके हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि यहाँ आप देख सकते हैं इस प्लॉट पर सिडको के जमीन होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर उलझे हुए हैं तो यहाँ के भाजीपाला विक्रेता, तकरीबन 200 से ज़्यादा भाजी विक्रेता आज यहाँ फुटपाथ पर भाजी बेच रहे हैं। सिडको और महानगर पालिका की तालमेल नहीं होने की वजह से भाजीपाला विक्रेता सड़क के किनारे बैठकर भाजी बेचने पर मजबूर है। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की स्पेशल रिपोर्ट।